और हम लोग इसी के खत्म करने के लिए हम लोग अपने चिराग जी को सीएम बनाना चाहते हैं। जैसे देख रहे हैं कि हमारी बेटियों के साथ हर जगह अन्याय हो रहा है, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आए दिन घटना हो रही है, आप देख ही रहे हो। और जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें अगर बदलाव आए तो महिला सुरक्षित हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज बिहार के हर एक जिले में पार्टी की ओर से स्थापना दिवस मनाया जा रहा है कि हम लोग चिराग पासवान जी के नेतृत्व में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का सपना को साकार करेंगे। अभी हम खड़े हैं एलजेपी रामविलास के पार्टी कार्यालय के निकट और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि आज पार्टी का 23वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर जो है पार्टी कार्यालय जो है वो काफ़ी भव्य तरीके से सजाया गया है और यहाँ पर जो लोग हैं एलजेपी रामविलास की पार्टी के जो लोग हैं, कई यहाँ पर नेतागण हैं, कार्यकर्ता यहाँ भरे हैं और पूरे उत्साह के साथ जो हैं यहाँ जो पार्टी कार्यालय में जो है कि यहाँ स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी संख्या में जो है एलजेपी के नेता व कार्यकर्ता यहाँ पे पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हैं वो भी यहाँ पे शामिल होंगे, उनके साथ ही उनकी पार्टी के सभी जो नेतागण हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर आज 23वां जो है स्थापना दिवस मनाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पार्टी कार्यालय है यहाँ पर कार्यकर्ताओं से और जो एलजेपी के नेता हैं वहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं और काफ़ी खुशी और उल्लास के साथ जो है पार्टी में स्थापना दिवस मनाया जा सकता है जा रहा है। आप देख सकते हैं राज्य के अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में यहाँ नेता व कार्यकर्ता पहुँचे हैं और सभी को अभी हालांकि अब तक जो है कि ये चिराग पासवान है जो हैं अभी पूरा तरह मंच पर नहीं पहुँचे, लेकिन जो है कि यहाँ पर जो नेतागण हैं वो सभी मंच पर पहुँचे हुए हैं और काफ़ी उत्साह लोगों में देखने को मिल जा रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पर एक केक भी रखा हुआ, वो केक भी कटेगा जब चिराग पासवान यहाँ पर आएंगे और केक काटेंगे तो लोगों में खासा उत्साह देखा जाए। ऐसे में यहाँ पे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे भी और पार्टी के जो नेता हैं उनसे भी हम बात करने का कोशिश करते हैं कि आखिर स्थापना दिवस जो है वो किस तरह से मनाया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो महिला कार्यकर्ताएँ भी हैं वो भी यहाँ पे पहुँची हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी की स्थापना दिवस के मौके पर काफ़ी खुशी देखी जा रही है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं और लोग अभी चिराग पासवान का इंतजार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि स्थापना दिवस को लेकर के और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए एक बार फिर से चिराग पासवान ने बड़ी पहल की है और स्थापना दिवस के बहाने अपनी पार्टी को बिहार में एक बार पूरी तरह से मजबूती देना पड़ रहा है। जिस तरह की बता दें कि पार्टी में तोड़ टूट हुई थी और जो एलजेपी जो है दो भागों में बट गई थी, लेकिन बार बार जो है एक और जो है चिराग पासवान के जो चाचा हैं पशुपति पारस वो अपनी पार्टी का दावा कर रहे थे और दूसरी ओर जो है चिराग पासवान अपनी, तो कहीं ना कहीं ये पार्टी का जो गठन हुआ था रामविलास पासवान के द्वारा किया गया था, तो कहीं ना कहीं जब रामविलास पासवान जो तो उनके पुत्र हैं चिराग पासवान और उनकी ओर से जो है पार्टी कार्यालय में आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, तो ये पार्टी का 23वां स्थापना दिवस है। तो यहाँ पर भव्य तरीके से पार्टी कार्यालय को सजाया गया है और यहाँ पर कई नेतागण हैं जिनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। देखिए, आज से 23 साल पहले हमारे पार्टी के जो दलित शोषित वंचित के आवाज़ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी स्थापना किए थे और उसी का जो आज स्थापना दिवस है, हम सभी कार्यकर्ता, हम अभी गौराबोराम विधानसभा से आया हूँ, मैं पूर्व में प्रत्याशी हूँ 2020 में, और कार्यकर्ताओं के बीच में एक उमंग उल्लास है कि हम लोग चिराग पासवान जी के नेतृत्व में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का सपना को साकार करेंगे। भाई बहुत बड़ा उत्साह का आज माहौल है, आप देख रहे हैं पार्टी के प्रदेश के सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात है कि आज बिहार के हर एक ज़िले में पार्टी की ओर से स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, पूरे बिहार प्रदेश में आज धूमधाम से हम लोग मना रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा उत्साह है क्योंकि पार्टी अभी जिस मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं तो सभी खुश हैं और चाहते हैं कि सब लोग मिलके और भी मजबूत करें पार्टी को। जी, ऐसे में आज भी देख रही हैं कि बिहार सरकार में महिलाओं के प्रति कई तरह की उसको कह सकते हैं कि मैंने अपमानित करने का काम किया जा रहा है, कई ऐसे मामले भी सामने देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में एलजेपी रामविलास की जो पार्टी है वो किस तरह महिला सुरक्षा के बारे में
हमारे पार्टी हमेशा महिला सुरक्षा में बात करते हैं। इस पार्टी में महिलाओं को समान अधिकार दिया जाता है, सबको सम्मान से रखा जाता है पार्टी में। और जो बिहार की हालत है, मैं दरअसल असम से हूँ, बट मुझे पता है कि बिहार में कैसी कैसी घटनाएं होती है। और एक महिला होने के नाते मैं भी चाहती हूँ कि हमारी पार्टी को ऐसी पावर मिले जो महिलाओं के लिए और भी काम कर सके। आप असम से हैं, असम और बिहार में महिलाओं के प्रति क्या आपको बदलाव नजर आता है, क्या सोच होती है, किस तरह का ये लगता है कि यहाँ की महिलाओं को कैसा कुछ करना चाहिए? मतलब महिलाओं में हमेशा जुर्म होता है, बिहार में हो या असम में हो, सभी जगह पर अभी जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी वजह से थोड़ा बदलाव आए हैं। और जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें अगर बदलाव आए तो महिला सुरक्षित हो सकते हैं। क्या लगता है कि बिहार में महिलाएं किस तरह सुरक्षित हैं? सुरक्षित तो नहीं है, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आए दिन घटना हो रही है, आप देख ही रहे हो। और हम लोग इसी के ख़त्म करने के लिए हम लोग अपने चिराग जी को CM बनाना चाहते हैं। बहुत कार्य कर रही है, आप देख ही रहे होंगे। आए दिन जहाँ भी प्रॉब्लम होता है, जहाँ भी कांड होता है, हमारे चिराग जी सबसे पहले पहुँचते हैं। हमारे चिराग जी का कार्यकर्ता सबसे पहले पहुँचते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसके लिए लड़ते हैं, DM से जाते हैं मिलने के लिए, प्लस उसके हक के लिए हम लोग जितना हो पा रहा है हम लोग कर रहे हैं। क्या लग रहा है सरकार में क्या कमियाँ हैं जो महिला उत्पीड़न के मामले में? आप देख ही रहे हो, वो देख ही रहे हो, जैसे देख रहे हैं कि हमारी बेटियों के साथ हर जगह अन्याय हो रहा है, उसको जला के मार दिया जा रहा है। और हर जगह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी जाने का काम कर रहे हैं, सभी के सुख दुख में गांव से गांव अंदर गली गली तक घुस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबकी मदद करने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जो सरकार का महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है वो कहाँ तक सच है? पूरी महिला हम लोग उनके साथ हैं, बिहार सारे प्रदेश की महिलाएँ घर से महिला निकल गए, महिला लोग निकल गई हैं, क्योंकि हमें लग रहा है जब तक चिराग भैया नहीं आएंगे हम महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आप लोग चाहती हैं कि चिराग पासवान जो हैं बिहार के CM बने? बिल्कुल चाहते हैं, और हम लोग बना के रहेंगे, बिल्कुल चाहते हैं और बना कर रहेंगे, क्योंकि जहां महिलाएं आगे हो गई वहां कोई रोक नहीं सकता है। महिलाएं जितना अच्छा से घर संभालती हैं उतना अच्छा से देश भी संभालेंगी, और हमारे चिराग भैया से के टक्कर में तो कोई है ही नहीं। जैसा कि आपने देखा कि जिस तरह से LJP रामविलास की पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया, और कई घंटों के इंतजार के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आकर के केक काटे और लोगों के बीच ये मैसेज दिया कि ये जो रामविलास पासवान की जो स्थापित की हुई ये पार्टी है, इसका विलय कभी भी किसी भी पार्टी में किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उनका जो ये सपना है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, उनको जन जन तक पहुंचाना अब चिराग पासवान का एक उद्देश्य बन चुका है। और इसको लेकर के पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं को कई आवश्यक निर्देश देते हुए पार्टी को मजबूत बनाने की जोर दी है। कैमरा पर्सन बिशु के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, IBTV पटना। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ टफकॉन XT के साथ।